निकाह पे निकाह की बात तो सुन रखी थी, मगर फताह पे फताह की रवायत मौजूदा हुकूमत ने डाली। गुज़िश्ता चंद माह में तहसील हसन अब्दाल में इफ्तिताह पर इफ्तिताह का दूसरा वाक़या कल हसन अब्दाल में पेश आया। चंद माह कबल हसार तक कटारियाँ रोड का इफ्तिताह वज़ीर माहौलियात मलिक अमीन असलम ने किया। इसके चंद रोज बाद मेजर ताज सादिक ने इस रोड का इफ्तिताह किया। 21 मई 2018 को सबका MPA मोहम्मद शावेज खान ने रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता रोज 18 मार्च 2022 को वजीर मौलियात ने दूसरा इफ्तिताह कर दिया। बचपन में अक्सर बच्चों की लड़ाई तख्ती पर हुआ करती थी, मगर मौजूदा दौर में सियासियों की तख्ती पर लड़ाई है। सबका MPA मोहम्मद शावेज खान ने हमारी मीडिया टीम से बात करते हुए कहा, में आई बिल्कुल सही वो मैंने सारा हटवाया उनसे जल्द दी। मैंने असल ना कोई काम करने के लिए ना काम को तकमील तक पहुंचाने के लिए कोई लॉजिक चाहिए। लॉजिक मैं लॉजिक ऐसा बयान करता था कि वो मियाँ साहब भी मेहमान नहीं करते थे, सारे अफसर भी मेहमान नहीं करते थे। मैं ये कहता था जी ये जगह इसलिए मैंने सेलेक्ट की है कि असलमदाल मेन हब है एक किस्म का। जी 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 उधर से अब्दाबाद को भी रोड जा रही है हजारे में, जी जी पेशावर भी रोड जा रही है, मोटर वे भी यही रोड जा रही है। जी जी मैंने कहा जी यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं मोटर वे पे, हमारी DT रोड पे सही है। ये बेस्ट और इससे थाना भी नजदीक है, थाना और इससे साथ वो भी PHQ भी नजदीक है। मैंने कहा जी आप मेहरबानी करें अगर कहीं और बनाएंगे तो कौन कैसे पहुंचेंगे ये लोग गाड़ी। सही बात है। यहाँ पे करें पार लोगों ने मेहरबानी की, उन्होंने मुझे कहा ठीक है दो ये एक कनाल जगह थी ठीक है ये मैंने उनको लेके दी थी। 21 मई 2018 को सबका MPA मोहम्मद शावेज खान ने रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह किया। इस वक्त गुज़िश्ता हुकूमत आखिरी मराइल में थी, चुनाचा नई हुकूमत में इस इमारत को इसके हाल पर छोड़ दिया गया, जहां खाली इमारत में चिड़ियों कबूतरों चमगादड़ों और कुत्तों ने डेरे डाल लिए थे। मुकामी मीडिया की मुसलसल आवाज उठाने से 31 जनवरी 2021 को तहसील हेडक्वार्टर हसन अब्दाल में तैनात रेस्क्यू 1122 के अमला के दो अफराद को हदायत जारी की गई कि इमारत को खोलकर वहां मुंतकिल हों और सफाई करवाई जाए। अमला के दोनों अफराद ने इस इमारत की मुकम्मल सफाई करवाने के बाद मेंटेनेंस का काम करवाया और यह इमारत बगैर किसी मुकम्मल अमला के खोल दी गई। तहसील हसन अब्दाल में आगाज से लेकर अब तक रेस्क्यू 1122 की एक गाड़ी है जो किसी भी मरीज को लेकर रावणपिंडी चली जाए तो पीछे आने वाले मरीज या तो एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाता है या प्राइवेट एम्बुलेंस लेके जाने पर मजबूर होता है। गुज़िश्ता रोज 18 मार्च 2022 को वज़ीर मौलियात ने दूसरा इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह तकरीब में राजा आमिर अली तुर्क, मलिक खुर्रम अजाहत, ज़हीर अहमद भटियांवाला, बशीर अहमद गुजर, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकल क्यादत के साथ अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। शुरका से खिताब करते हुए वजीर मौलियात ने कहा, दोस्तों भाइयों बुजुर्गों आज मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर आपके दरमियान इस 1122 के दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए, मैं समझता हूँ ये असरदार के तमाम शहरियों के लिए बल्कि पूरी तहसील के लिए एक बहुत बड़ी सर्विस होगी और ये आपके जो इमरजेंसी केसेस होते हैं उसके लिए आपको ये आपकी फायर एक्सटिंग्विशर बस जो है ये खड़ी हुई है यहाँ पे और जो बाकी 1122 की इमरजेंसी सर्विस होती है वो भी तमाम तहसील में मिलेगी। यहाँ पर ये बात की गई कि यहाँ पर पहले भी एक इफ्तिताह हो चुका है, आज उस इफ्तिताह को 4 साल गुजर चुके हैं और इस 4 साल में जैसे बताया गया उसकी वीडियोज मौजूद हैं कि किस खंडर का इफ्तिताह किया गया था और इस खंडर को किस साल में यहाँ पर छोड़ के गए थे कि कबूतरों और कुत्तों का वो डेरा था, उसकी जगह इसको आबाद किया है, अमला दिया है। इंशाल्लाह यहाँ पे 2 गाड़ियां भी आएंगी और इंशाल्लाह पूरी तहसील को ये सर्विस प्रोवाइड होगी। कि ना तो अब तक मुकम्मल अमला की तैनाती को यकीनी बनाया गया और ना ही रेस्क्यू 1122 की 2 गाड़ियों की हिदायत जारी की गई। इफ्तिताह में जिला की दीगर तहसीलों से लाई गई गाड़ियां खड़ी की गई। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मुशीर मलिक अमीन असलम से गुजारिश है कि बराए करम जहाँ आपने तहसील हसन अब्दाल में दीगर मनसूबों पर काम किया वहाँ रेस्क्यू 1122 में मुकम्मल अमला, 2 एम्बुलेंस और 1 फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तैनात कराएं, आपकी तख्ती अवाम के दिलों पर नस्ब हो जाएगी। दीवारों पर लगने वाली तख्ती टूट सकती हैं, मिट सकती हैं, मगर दिलों पर लगी तख्तियां तहायात रहती हैं। गुज़िश्ता बरस कुएं में गिरने वाली बच्ची को निकालने के लिए अटक से आने वाले अमला के पहुंचने से कबल बच्ची दम तोड़ चुकी थी। तहसील हसन अब्दाल में मुकम्मल अमला की तैनाती से कई जानों को बचाया जा सकता है। कैमरामैन टीम के साथ कैसर दिलावर जिदून, शनासा TV, हसन अब्दाल।